शिरादे विगत 10-15 दिनों में एक जैसी समस्याएं सुनने को मिली हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन आए जिसमें लगभग सभी की समस्या एक जैसी है। कैसे? जैसे किसी के पिताजी, किसी का पुत्र, किसी का पति घर से निकला, यात्रा में निकला तो गंतव्य तक नहीं पहुंचा, अथवा घर से कहीं निकला तो लौटकर आया नहीं। इसका एक दूसरा प्रारूप भी है। कई पत्नियों की तरफ से ये शिकायत आई है कि मुझे मेरे पति ने त्याग कर दिया है। दूसरी तरफ कुछ पतियों की तरफ से भी उलाहना सुनने को मिली है कि मेरी पत्नी महाराज अपने बच्चों को लेके मायके चली गई, लौट के नहीं आई। तो इस प्रकार की जो भौतिक समस्याएं हैं कि एक दूसरे का त्याग कर देना, अथवा कोई कहीं चला गया तो लौट कर न आना, जिसे सरल भाषा में, उर्दू भाषा में कहते हैं गुमशुदा। यदि कोई गुम हो गया हो, यदि कहीं पर कोई चला गया हो और घर छोड़कर परित्याग करके और उसके विषय में कोई खबर न मिले, तो ऐसी स्थिति में क्या भगवान के नाम में वह शक्ति है? क्या नामोपचार के पास इसका समाधान है? और जब आप लोग इस प्रकार मुझसे प्रश्न करते हैं ना, तो मेरे मन को बड़ी पीड़ा होती है कि क्या भगवान के नाम में ऐसा सामर्थ्य है। अरे भाई एक बात बताओ, जब महाराज परीक्षित की गर्भ में रक्षा हो सकती है, एक गजराज की जब मगरमच्छ से, ग्रह से रक्षा हो सकती है, प्रहलाद की रक्षा हो सकती है, ध्रुव की रक्षा हो सकती है, भरे दरबार में द्रौपदी की लाज की रक्षा हो सकती है, तो आपकी रक्षा नहीं होगी? क्योंकि आप शंका करते हैं, आप अविश्वास के रथ पर बैठे हैं। यही कारण है कि आपका कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। जब तक नाम में विश्वास न हो, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग भीड़ तंत्र के साथ और चमत्कार के साथ जुड़े हैं। हम देखते हैं कलयुग में कि कैमरे किसके पीछे भाग रहे हैं, किस बाबा के पीछे लाखों करोड़ों की भीड़ भाग रही है, बस वही भागना है। ये नहीं देखना कि हमारे शास्त्र में क्या लिखा है, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। अब आप ये कहेंगे कि शास्त्र का जो प्रमाण है वो इतना ज्यादा प्रामाणिक क्यों माना गया है? उसका एक सीधा सा अर्थ है कि संसार में जिसे देख के हम बड़े प्रभावित होते हैं, जिसे सुन के बड़े प्रभावित होते हैं, जिसको पढ़ के बड़े प्रभावित होते हैं, वो भौतिक होता है, किसी मनुष्य का रचा हुआ होता है। किंतु जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, तो ये किसी मनुष्य का नहीं है, ये साक्षात नारायण के द्वारा, भगवत प्रणीतम, ये नारायण के द्वारा रचित है। और आप ये कहेंगे, बहुत से लोग जो कुतर्कवादी हैं, कि आपको कैसे पता कि भगवान ने रचा है? देख तो देखिए, मैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं एक उदाहरण दे देता हूं। यदि मैं आपसे कहूं कि भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य बताओ, भौतिक जगत की बात बता रहा हूं, 5 उपन्यास का नाम बताओ, तो पहले 5 महाकाव्य का नाम क्या बताएंगे? सबसे पहला महाकाव्य का नाम बताओगे पृथ्वीराज रासो, चंद वरदाई ने लिखा। दूसरा महाकाव्य है पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। तीसरा आप बोलोगे साकेत, जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा हुआ। चौथा सबसे प्रसिद्ध है कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। और एक पांचवा भी है, पांचवा क्यों, मैं तो सर्वश्रेष्ठ, ये तो अनेकों हैं, जैसे रघुवंश है, कुमार संभव है, कालिदास जी ने लिखा। ये मैंने 5-6 केवल आपके सामने रखे जो महाकाव्य हैं। अब 5 उपन्यास का नाम बताइए जो सर्वश्रेष्ठ हो भारत में। यूं तो हजारों गली गली में लिखा लोगों ने, पर मैं सर्वश्रेष्ठ की बात करता हूं। तो सर्वश्रेष्ठ अगर आएगा, सबसे पहले उपन्यास का नाम आप लेंगे गुनाहों का देवता, जो धर्मवीर भारती जी ने लिखा। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी ने निर्मला, गोदान, गवन, इस प्रकार के उपन्यास उन्होंने लिखे। एक और आएगा जिसका मेलांचल, जो फणीश्वरनाथ रेणु जी का लिखा हुआ। और एक तमस, जिस पर सीरियल भी बना था, तो तमस भीष्म स्वामी जी ने लिखा। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये जितने भी महाकाव्य और जितने भी मैंने उपन्यास के नाम लिए, इन सब में यदि मैं स्वयं चाहूं अथवा आप भी अगर चाहें, तो किसी न किसी पंक्ति में, किसी न किसी पद में, पैराग्राफ में आप कोई ना कोई परिवर्तन कर सकते हैं, आप चाहें तो। किंतु क्या मैं आपसे पूछता हूं भगवत गीता के किसी एक श्लोक में, एक हलंत, एक विसर्ग में आज तक परिवर्तन करने का सामर्थ्य किसी में है? बड़े बड़े शंकराचार्य आए और गए, बड़े बड़े एक से एक उद्भट विद्वान इस भारत में प्रकट हुए, पर भगवत गीता करोड़ों वर्ष पहले भी जैसी थी, वैसी भगवत गीता अब भी है। आप समझ रहे? क्या यह चमत्कार आपको दिखाई नहीं देता? दूसरी बात,
मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अभी मैंने जितने भी ये महाकाव्य का नाम लिया, जितने भी ये उपन्यास का नाम लिया, इनमें से भारत के कितने लोग हैं आप में से जो इनमें से लगभग लगभग सभी, मैं अगर हिंदुओं की बात करूं, 100 करोड़ हिंदू हैं, तो इन 100 करोड़ हिंदू में से लगभग 80 करोड़ हिंदुओं को इनमें से कितने पंक्तियां याद है अथवा गली गली में गायन होता है बताइए। जबकि रामचरितमानस की चौपाइयां, मैं कहता हूं भारत में जो अनपढ़ व्यक्ति है ना, जिसने कभी अक्षर ज्ञान भी ना लिया हो, जो कभी विद्यालय का मुंह ना देखा हो, ऐसा व्यक्ति भी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए बोल देता है। यानी अधिकांश अनपढ़ व्यक्तियों के मुख पर भी रामचरितमानस की चौपाइयां विराजमान है। मैं दक्षिण भारत में गया हूं, कर्नाटक में होसपेट नाम का एक शहर है जिसे किष्किंधा कहते हैं, वहां मंगलवार को सड़क पर चढ़ना मुश्किल हो गया, गाड़ी से उतार के बोले गुरुजी पैदल जाते हो, बोले गली गली में सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, गाड़ी नहीं जाएगी आप पैदल चलो। सुंदरकांड आप समझ रहे हैं, जहां हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, कन्नड़ बोलते हैं, वहां पर भी सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ। क्यों? तुलसीदास जी की कृति गली गली में, जनमानस के हृदय में क्यों, जन जन का कंठहार क्यों? और ये बड़े बड़े महाकाव्य जिनका नाम लिया, इनका क्यों नहीं? क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा रचित है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का की जो रचना है वो गोस्वामी जी की नहीं, रचि महेश ने जो मानस रखा वो साक्षात भगवान शंकर के द्वारा प्रणीत है। तो जो नारायण स्वयं रचना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं जिसकी रचना करते हैं, हम उसकी बात न माने। इसलिए नाम उपचार ये साक्षात भगवान वेद व्यास ने श्रीमद भागवत में कहा कि न यथ पुनः कर्मसु सज्जते मनो, इन एक बार यदि नाम का आश्रय लिया तो मन दोबारा कर्म बंधन में फंसता नहीं है। और एक जगह तो 6वें स्कंद में भगवान धर्मराज इन विष्णु के दूत यमदूतों को कह रहे हैं कि नवई स नरकम याति, जिसने नाम का आश्रय ले लिया, नाम जप कर लिया, न इक्षितो यम किं करहि, उसको उसको यमराज अपनी ओर ले जाना तो दूर, यम के दूत उसकी तरफ न इक्षितो यम किं करे, यम दूत उसकी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। यद्यपि अमंगलो मर्तो, यदि वो मर्त लोक में भले कितना बड़ा पाप किया हो, पर यदि उसने एक बार नाम का आश्रय ले लिया तो विष्णु लोके मही अते, तो विष्णु लोक में भी वह पूजा जाता है, पूजनीय के समान है। ये है नाम की महिमा। भौतिक उपचार और नाम उपचार में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भौतिक उपचार में कोई गारंटी नहीं है कि एक बार जो बीमारी हुई दोबारा भविष्य में नहीं होगी, किंतु नाम उपचार में भगवान ये गारंटी दे रहे हैं कि वर्तमानम च यत पापम यद भूतम यद भविष्यति तत सर्वम निरहत्याशु गोविंदा नल कीर्तनम, अर्थात कि भगवान का नाम यदि आपने आश्रय लिया तो वर्तमानम च पापम, यानी इस समय जितने पाप आप कर रहे हो और जितने यद पापम यद भूतम, यानी भूतकाल में किए हुए जितने, और यद भविष्यति और वर्तमान में भविष्य में भी जितने पापों का पिटारा जिनका फल यानी प्रारब्ध बन गया हो, तो तत् सर्वम निरत्याशु, वो समस्त पाप जलकर भस्म हो जाएंगे गोविंदानल कीर्तनम, यदि गोविंद के नाम का संकीर्तन करोगे भैया। ये विश्वास पर, ये विश्वास होगा कैसे? मेरे कहने से तो मानोगे नहीं। आपको लगता है कि जहां भीड़ हो बस चमत्कार चाहिए, अर्जी लगा दो सारी बात पूरी। अरे भैया, भगवान और भक्ति के मध्य में किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है। गजराज और भगवान के बीच में कौन था? किसी की आवश्यकता नहीं है। माता उत्तरा के और भगवान के बीच में कौन था? उत्तरा ने पुकारा, गर्भ की रक्षा हो गई। द्रौपदी और गोविंद के बीच में कौन था? बीच में नहीं। जब संकट ग्रस्त हो, मैं भवसागर की बात नहीं कर रहा हूं, भवसागर पार कराने वाले लाखों गुरुदेव है भारत में, आप जाइए उनके चरणों में। मैं तो भैया इस भौतिक जगत में जो आपदा विपदा में फंसा है, इस झंझट से मुक्त कैसे मिले, इन कष्टों से कैसे मुक्ति मिले, और भगवान का नाम हमें इहलौकिक और पारलौकिक समस्त प्रकार के दुखों से बचाता है, पर विश्वास कैसे हो? अच्छा, विश्वास कैसे हो? एक छोटी सी कन्या के चरित्र से हम देख सकते हैं। एक बार गुरु गोरखनाथ जी बहुत सुंदर रामानंद संप्रदाय के महान संत संत रविदास के पास गए, और जैसे गए तो चल के आए थे, प्यास लगी थी बड़ी जोर की प्यास, और जाति सहज रूप में कहा कि भगवान थोड़ा जल पिलाइए। अब रविदास जी तो आप जानते हैं, वो जूता सिलते थे, है कठौती में उनका जल रहता था, तो उन्होंने सहज रूप में कठौती के जल को आगे कर दिया, बोलो जल पी लो।
तो कमंडल आगे बढ़ाया और कठौती का जल उसमें डाल दिया। अब डाल तो दिया, अब जिस कठौती में जूता डुबा के चमड़ा डुबो के सिलते हूं, अब उस जल को पीने को उनमें सामर्थ्य नहीं हुई कि हे भगवान बताइए ये भी कोई जल पीने की है। तो वहां तो कुछ नहीं कहा और वहां से चुपचाप निकल गए और उस जल को कमंडल में रख रखे सीधे पहुंचे, सोचा उसी शहर में बगल में रहते थे संत कबीर जी, तो कबीर के घर पहुंचे। अच्छा, जिस समय कबीर के घर पहुंचे तो संत कबीर किसी कार्य से कहीं गए होंगे, घर में उनकी छोटी बेटी थी, क्या नाम था उसका, कमाली। तो बिटिया, तो भीतर से कमाली आई, जी गुरु जी, अरे बेटे तुम्हारे पिताजी नहीं है? बोले बाबूजी तो अभी किसी काम से गए, तो काका बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले बेटा हमें थोड़ी सी प्यास लगी थी, बस हम तो संत रविदास के पास गए थे, उन्होंने तो हमें वो कठौती का जल दे दिया, तो सो तो हम पिए नहीं, पर तुम हमें अपना जल पिला दो। तो बोले काका तो वो उन्होंने जो जल दिया संत रविदास जी, वो जल कहाँ है? बोले कटो आपके कमंडल में। बोले वो जल मुझे दे दीजिए। और वो कन्या जो छोटी थी अनायास सहज रूप से उस जल को पी गई और भीतर से लाके सादा जल इनको दे दिया। अब ये घटना एक साधारण सी घटना है, वर्षों बीत गए, 15-20 वर्ष बीत गए। बीतने के बाद गुरु गोरखनाथ जी जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए तो एक दिन मुल्तान, उन दिनों बंटवारा नहीं हुआ भारत पाकिस्तान का, मुल्तान भी भारत में ही था, तो मुल्तान की गलियों में भिक्षा कर रहे थे गुरु गोरखनाथ जी। भिक्षा हम गई, तो जो भी भिक्षा देने आता बोले सावधान, मैं केवल भिक्षा तभी लूंगा जो मेरे इस, जो मेरे पात्र को, जो मेरे खप्पर को भर देगा, जो मेरे खप्पर को भिक्षा से भर देगा केवल उसी के घर का भोजन करूंगा, अन्यथा मैं और कहीं भोजन नहीं करूंगा। अब पूरे नगर भ्रमण करके आए तो कहीं उनका खप्पर भरने का सामर्थ्य किसी में है ही नहीं, तो घूमते घूमते उसी एक घर में गए और भीतर से एक बिटी आई। वो कौन थी? कबीर की बेटी कमाली, क्योंकि कमाली का विवाह मुल्तान में हुआ। अरे बोले काका जी प्रणाम, आप? बोले बेटी तुम? बोले आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कबीर की बेटी कमाली। अच्छा, तो बेटी भिक्षा तू ही दे दे, लेकिन बेटी ध्यान रखना जो मेरा खप्पर भरेगा मैं केवल उसी के घर का जल पीऊंगा, उसी का भोजन करूंगा। कमाली ने सोचा मैं भी सिद्ध बाप की बेटी हूं, आखिर कबीर की बेटी हूं, तो भीतर गई और एक चुटकी चावल ऐसे लाई और लाके खप्पर में डालती, खप्पर भर गया केवल एक चुटकी चावल से। बोले धनी हूं बेटी, अरे वाह, ये सिद्धि तुझे कहां से प्राप्ति की तूने? बोले काका आप भी भूल गए, ये सिद्धि तो आपने मुझे दी थी। बोले मैंने? बोले याद है जब आप एक दिन प्यासे आए थे और संत रविदास के कमंडल का जल लाए थे? हाँ। बोले वो जल मैं पी गई और जिस दिन से मैंने वो जल पिया ये सिद्धि मुझे उसी दिन प्राप्त हो गई थी। उनके मन में आया हे भगवान, ये विश्वास, उस बेटी को विश्वास था कि वो तो चमत्कारी महापुरुष है और उनका जल पी के वो ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गई पर मुझे नहीं मिला। भागे भागे महाराज फिर संत रविदास के पास आए, कौन? गोरखनाथ जी। आके बोले महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले महाराज वो जल मुझे दोबारा दो। और उस समय संत रविदास ने एक दोहा कहा कि पियाते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, जिन पिया को जान लिया, जिसने पिया उसने पिया को जान लिया, और भूले जोगी फिरे दीवाना, बह पानी अब मुल्तान गया। भैया वो पानी अब नहीं है, तू मुल्तान चला गया मेरी बेटी के साथ है। तो कहने का मतलब है जब विश्वास करने का है वहां विश्वास किया नहीं, जिसने किया उसे मिला। तो ये विश्वास का मान गए, भगवान का नाम लेने से मेरे रोग शोक भय दुख जरा व्याधि मिट जाएंगे, मिटना ही है, इसमें शंका क्या करना। युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, भगवान भगवत गीता में उद्घोषणा कर रहे हैं कि भैया सर्वत्र जो मेरा दर्शन करता है, हैं? आपके परिजन अगर आपको छोड़कर कहीं गए तो आपकी दृष्टि में चले गए, पर नारायण की दृष्टि में तो वो है। अरे सूरज चाहे अमेरिका में हो चाहे लंदन में हो, हम कहां खड़े सूरज को पता है ना। तो आपका बेटा, आपका पति, आपका पुत्र, आपकी पत्नी कहां गुम हो गए, कहां चले गए, ये आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैं भी चमत्कार नहीं कर सकता, मेरे पास तो एक ही चमत्कार है भगवान का नाम, और वो भी आप कागज कलम लेके 540 बार जब लिखकर मुझे भेजते हो। हैं कुछ लोग कहते हैं कि कौन लिखेगा, क्या परिवार के लोग मिलकर लिखेंगे? नहीं भैया, जिस व्यक्ति के लिए आप नाम जपना चाहते हो उसके साथ आपका रक्त संबंध होना चाहिए, और आप संकल्प करके 3 घंटा 35 मिनट प्रतिदिन जप सकते हो। तो आप कोई भी सादा कागज ले लो और हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, ये 540 यानी 5 माला लिखकर आप मुझे दोगे
तो मैं अपना समय निकालकर आपको वह नाम बताऊंगा जो नाम आप जपोगे, जपोगे भी आप, फल भी आप ही को मिलना है। मेरा काम केवल बताना है और बताने में जो मेरा समय जाएगा उतने समय की कीमत मैं आपसे वसूल कर लेता हूं पांच माला के रूप में। सीधी सीधी बात है भैया, मैं अपना अनमोल समय आपको क्यों दूं? तो वो समय जो मेरा अनमोल समय है वह आपको देता हूं, तो बदले में मुझे क्या चाहिए? पांच माला। वो पांच माला जब आप लिख कर देते हैं भैया, तो उससे मेरे भजन का जो पिटारा है वो भर जाता है और मेरा भी काम और आपका भी काम एक साथ दोनों का कार्य सिद्ध होता है। तो इसलिए इस प्रकार की कोई समस्या हो आपके जीवन में, कोई भी समस्या हो इस संसार में, वो समस्या बनी नहीं जो मेरे प्रभु के नाम से, जो मेरे गोविंद के नाम से उस समस्या का समाधान प्राप्त न मिलता हो। इसलिए उठाइए और भेज दीजिए 540 बार हरे कृष्ण महामंत्र। जय जय श्री राधे।